नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आया है इंटेक्स कलर 3। इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि सेट में सिम डालते हुए सेट तुरंत 2 सेकंड बाद ऑफ हो रहा था ऑटोमेटिक, और कुछ लिखे भी दे रहा था। इसके बाद जैसा कि उसमें मैंने वो उसकी वीडियो नहीं बना पाई है, इसके लिए सॉरी। इसके मैं आगे की वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे सिम डालते हुए वो हो रहा था, बंद हो रहा था सिम डालकर, और सिम निकाल कर चल रहा था परफेक्ट। तो इसके लिए हमने इसका क्या किया था, इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड की थी और ये फ्लैश फाइल लगा दिया था। और इसका SPD 6530 है, और ये देखते हैं फ्लैश से सॉल्व होता है या नहीं। देखिए इसका फ्लैश तो हो चुका है, अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं सॉल्व समस्या सॉल्व हुई है या नहीं। सेट ऑन हो चुका है तुम्हारा, ये देखिए, ठीक है। इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद देखिएगा हमने सिम डाली इसमें सेट में, और इसके बाद इसे ऑन किया, और देखिए ये अपना नेटवर्क देखिए सर्च कर रहा है, ठीक है। और ये अपना आ चुका है नेटवर्क इसका, ये एयरटेल लिख के दे रहा है, ठीक है। और इसके हम कोई भी अब ये बंद भी नहीं हो रहा है और बढ़िया वर्क कर रहा है। और देखिए इसमें हम कंपनी का नंबर लगा रहे हैं, कॉल भी हो रही है, ओके। देखिए कॉल भी हो रही है। तो ऐसी कोई दिक्कत आए सिम डालने से बंद हो तो फ्लैश कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।